गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज भिडियो आम देखा आम इक्विवेलेंट सर्किट थी मेसीन रमें आज देखा एक्जाक्ट इक्विवेलेंट सर्किट आउर आम आई अलग पार्टी आम देखा कमी सर्किटा को आम एनालिसिस कर पारिबा। ओके तो इक्विवेलेंट सर्किट पार्ट टू आम कर पारिबा। ओके तो आम टोटल एनालिसिस करें केमी गोटे सर्किट इक्विवेलेंट ड्र करवा फ्रॉम फेजर डायग्राम से टोटल एनालिसिस करते तो ये मुझे ड्र कर एनालिसिस बेस कर द एक्जाक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। तो प्रथम कौन थी आमर वी वन दिस इज द इनपुट वोल्टेज देन दिस इज प्राइमरी रेजिस्टेंस आर वन कॉइल। ओके देन दिस इज प्राइमरी कौन एटा लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड एक्स वन जे एक्स वन। ओके नाउ द करंट इज आई वन आम ड्र कर एक्जाक्ट मान आम ड्र कर फॉर ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विथ लोड कंडीशन। ओके तब कौन हम आई वन आस जान आई वन इज इक्वल टू आई प्लस आई वन डैश। आई वन डैश कह कौन आम द प्राइमरी साइड करंट फर द सेकेंडरी साइड। ओके तो आम कौन हो आई वन कौन हम आई वन डैश आउट कौन आम कौन कार्ड आस आई दिन गला आई प्लस आई वन डैश इक्वल टू आई। ओके देन आम जानचे आई रीटा आम दुटा कंपोनेंट अच्छी आई रीटा कंपोनेंट अच्छी आई इज इक्वल टू आई एम प्लस आई सी यहाँ हम कोरस कंपोनेंट यहाँ हम कौन द मैग्नेटाइज कंपोनेंट है। तो कोर लॉस माने आम जानचे कोर लॉस माने कौन आम आसी डैश आर सी नहीं पार कोर लॉस रेजिस्टेंस और आम नहीं पार आप कौन नहीं पार आई आई सी स्क्वायर आर सी एटा कथा है कहीं सब मन पका फेजर रे आम कौन होता आम फेजर रे आईसी कंपोनेंट आईसी कंपोनेंट कौन थी आमर इन फेज होता भी वन डैश भी वन डैश और आम कहीपर माइनस इ स्टार सॉरी माइनस इ वन। ओके मन पक आमर कौन थी आई सी समस्ते देख फेजर देख आमर थी आई सी कंपोनेंट थी इन फेज विथ भी वन डैश तमें जो आम जो लाइन देखा एमती थी भी वन डैश ये यही लाइन आम कहते आई सी हाँ कि नहीं तो आम भी वन डैश आई सी भितर कौन से फेज आंगल ना जेहेतु कौन से फेज आंगल ना तो ये कौन कौ कंपोनेंट आम नहीं पारा ओनली रेजिस्टेंस आम जब इंडक्टेंस ना देन देर मस्ट बी सम फेज आंगल आम जब कैपेसिटेंस ना देर मस्ट बी सम फेज आंगल जेहेतु आम करंट वोल्टेज करंट वोल्टेज कौन से फेज आंगल ना आम कौन ना गोटे रेजिस्टेंस ना आम लिखिपर भी वन डैश आर सी और लिखिपर आई सी स्क्वायर आर सी आम लिखिपर फॉर कोर लॉस। ओके तो आम यो कंपोनेंट आई सी आई रि दुटा कंपोनेंट रहा गोटा मैं आई सी आउ गोटा मैं आई एम। ओके तो आई सी कौन ने आई सी ने गोटे रेजिस्टेंस ने ना दे आर सी। ओके दिन कौन आई वन आईटा फ्लो कर आई एम रहा आई एम नाम कौन द मैग्नेटाइज कंपोनेंट द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है लिखे जा आई इज इक्वल टू आई एम प्लस आई सी आम आई सी पढ़ा गला आई एम कौन आई एम हो तो मैग्नेटिक कंपोनेंट सब मन फेजर में आम ड्र करते कौन आई एम ड्र करते ऑन दिस साइड आई एम फ्लक्स फाइव तमाने आई एम टा आम रेस्पोन्सिबल रोच टू प्रड्यूस द फ्लक्स फाइव तमाने आई एम आ फ्लक्स भर कौन सी फेज आंगल ना आम अलरेडी आने सारी आम फाइव टा लैग कर कौन इ वन को बै नाइंटी डिग्री है सरी माइनस इ वन को एक्चुअली कौन फाइटा यहाँ हूँ एक्चुअली इन यहाँ हूँ एक्चुअली इ वन किंतु आम अपोजिट कौन माइनस वन हम है आम कहीपर फाइटा लिड कर वन को बै नाइंटी डिग्री किल्टा कौन होल्टा कौन हो कौन हो लैग कर जाऊँच। ओके तो आम कौन हो फाइव एक लैग कर नाइंटी डिग्री आउ फाइव आउ आई एम हूँ इन फेज तक कहीपर कौन आई एम आउ भी वन डैश भितर आम कौन आंगेल अच्छी नाइंटी डिग्री। ओके तो ये कह आम कौ कंपनी यूज कले आम ये आंगेल नाइंटी नहीं पार भोल्टेज करेंट आम भोल्टेज सामान भी वन डैश आमर ये भी वन डैश
एटा मु करछि एटा हमर प्राइमरी साइड र वाइंडिंग तमर कोन होची वी1 डैश होची कोन ए ए वोल्टेजटा हां नै वी1 डैश होची हमर ए वोल्टेज हमर होची कोन वी1 डैश ओके तो जे तमर एटा हमर होची वी1 डैश तो एटा कोन पैरेलल अछि तमर कोन हबो आ क्रॉस वी1 डैश वोल्टेज आ क्रॉस कोन हबो वी1 डैश वोल्टेज किंतु एथि हमर कोन होची किछ लॉस होची हैला ए लॉस पर हमर कोन होची हमर वी1 डैश आछि बुझला ता माने हमर आरसी अक्रॉस रे आरसी अक्रॉस रे हमर कोन हबो वोल्टेज हबो वी1 डैश एटा हमर आई आईसी एटा हमर आरसी आ क्रॉस हमर कोन हबो वी1 डैश हमर कोन हबो वोल्टेज हबो ओके सेम सेम टू हियर काहे हमर हमर कोन हमर पैरेलल अछि ना हमर पैरेलल वोल्टेज समान तो आ क्रॉस कोन हबो वोल्टेज हबो वी1 डैश तो वी1 डैश आ आईएम भीतर हमर फेज एंगल होची 90 डिग्री तो एठी हम सेम कोन लगेबा गोटे कोन लगेबा गोटे रिएक्टेंस लगेबा हैला जोटा के हम कहि परिबा द इंडक्ट द लीकेज रिएक्टेंस जोटा हम ऑलरेडी हम यूज कर सकछे आईएम सो एक्सएम एटा हमर एक्सएम ओके त हमर एटा होची प्राइमरी साइड रो सर्किट प्रथम कोन रहला हमर आर1 आर1 कहले द प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस एंड दिस इज द लीकेज रिएक्टेंस एक्स1 आ एटा हमर कोन एटा हमर होची द मैग्नेटिक कंपोनेंट जोटा हमर कोन होची वी1 को जेतो हमर करंट वी1 सहित वी1 डैश सहित हम 90 डिग्री फेज एंगल लैग करूची त हम सीधा काम हम कोन नै परबो कंपोनेंट नै परबो हम एक्सएम नै परबो दैट गुड नंबर रिएक्टेंस नै परबो रिएक्टेंस नॉट कैपेसिटेंस नॉट रेजिस्टेंस ओके देन हमर इटा होची सेकेंडरी साइड रो वाइंडिंग देन आ देखो अभी त हम एटा हम तो छ कोर पे ए जो गार्ड हम दै छ कोर पे एटा होची हमर प्राइमरी वाइंडिंग र सेकेंडरी वाइंडिंग एजरा हम कोन दै छ जो गैप हम कोन कोर हला त माने आको इ कोन इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नाही कि तो केमिति कनेक्शन अछि मैग्नेटिकल कनेक्शन अछि हम त दुटा गार्ड रे दि दि गोटे दबनी कि मोर देन टू दबनी केवल दुटा हमरा हम त को सिंबॉलिकल देखो छ ओके देन फॉर सेकेंडरी साइड अगेन हम एटा हमर होची कोन सेकेंडरी साइड रो रेजिस्टेंस आर2 एटा हमर होची सेकेंडरी साइड रो लीकेज रिएक्टेंस जे एक्स2 देन दिस वन वी2 द लोड वोल्टेज एंड द वोल्टेज हियर इज ई2 एंड द करंट इज आई2 हम कहिथिली हम आई2 एपर नै पर एपर नै परबा त हमर इजी अंडरस्टैंड पे हम एपर नेले त हमर कोन डॉट एपर रहबो डॉट एट रहबो डॉट एट हमर एट रहबो डॉट त हमर एटा पॉजिटिव एटा हमर हो पॉजिटिव ओके दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट दिस इज द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर दिस इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ओके तो एबे किंतु आमे देखिबा आउ टिके फर्दर टिके एनालिसिस करिबा कोन करिबा एबे आमे एबे जेको ट्रांसफार्मर आमे यदि तार कोन से प्रॉब्लम जेबे सॉल्व करय पई त आमे कोन करिबा आमे दी पटरे रखिबा नाही आमे कोन करिबा सेकेंडरी को प्राइमरी को नै आसीबा और प्राइमरी को सेकेंडरी नबा तो इजी हव हमर इजी हव जेहेतु हमर प्राइमरी से आमे बेसी एक्वेंटेड हैला त हमर प्राइमरी अधिक अधिक कंपोनेंट अछि त हम कोन करिबा आमे कोन करिबा सेकेंडरी सेड को नै आनिबा आ मानिबा प्राइमरी को आनिबा ओके त हम लिखु छी केस 1 सेकेंडरी साइड refer to primary okay ta mane amar secondary kon kon component achi e2 achi i2 achi r2 achi jx2 achi aw amar v2 achi hela ta mane eti component kon kariba amar primary side re transfer ni asiba ta mane transfer anile amar kon kon changes hobo ame kemiti anibe am se process ta ko dekhiba hela acha dekho prathame ami jani che हमे कहला जे v1 / v2 इज इक्वल केते हमरा n1 / n2 इज इक्वल टू i2 / i1 इज इक्वल टू e1 / e2 हैला हमे कुछ हम ऑलरेडी जान छी क्वेश्चन v1 / v2 इज इक्वल टू n1 / n2 इज इक्वल टू i2 / i1 इज इक्वल टू e1 / e2 एटा हमरा कोन द ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला और द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम कह परबा ओके तो एबे देखो हमर वोल्टेज कोन होची आमे यदि v1 आनिबा आपन v दउ जेबे ए दरकार नै कि छ हमरा आमे जे देखबा v1 इन टर्म्स ऑफ v2 कोन करबा आमे v1 इज इक्वल टू n1 / n2 इनटू v2 ओके से दरा आमे जे v लिखा v2 कोन लिखा v2 इज इक्वल टू n2 / n1
into V1 हाँ कि नहीं ओके तामने आमे कौन कर ची आमरो आमे जितना V1 दे ही थी बो ताहला में आमे जिससे ताकु लिखवा in terms of V2 और हम find कर V2 एक दिन काम कौन करीबा तासुला आमे N2 by N1 आमे कौन करीबा multiply करीबा with respect to V1 दिन हम पाइबा करो आमे V2 पाइबा है ना तो same थी आमर voltage आमर एक एको से लेकर कारण हो चुके तो एवं उपर मानो पकड़ दे ली कहीं वो तार पर बेस कर लिख ली देखा आमर ए जो ड्रॉप टाइम कौन अच्छी ए ड्रॉप टाइम कौन है समझा वोल्टेज ड्रॉप अच्छी I2 R2 हाँ ग्रे I2 R2 को है लेकिन वोटे वोल्टेज ड्रॉप तार वोटे वोल्टेज हाँ ग्रे वोल्टेज ड्रॉप पर वोटे वोल्टेज तामने आमर दे I2 R2 को लिखी बाय इन प्राइमरी टर्म्स तो कौन लिखी बा I2 R2 आमर दे ये थ्री I2 R2 इज multiplied by N2 by N1 okay multiplied by so ulta N1 by N2 N1 by N2 by which we get primary side हाँ नहीं देखो हम कौन लिखी आमे I2 R2 हेलो आमे कौन आधे मल्टीप्लाई करीबा N1 by N2 मल्टीप्लाई कौन भरी बो आमे जोड़े बाहरे वोल्टेज अप्लाई करते कौन आमे सर कुड फाइंड करीबा इन प्राइमरी साइड हाँ क्या आमे बताओ V2 साइड तो आमे N1 by N2 में आमे जो मल्टीप्लाई करते हैं कौन बोलते ले V1 बोलते ले ना हाँ क्या V1 बोलते ले तामना आमे सेकंड साइड वोल्टेज ले N1 N2 मल्टीप्लाई कर ले आमे पाउस ले प्राइमरी साइड वोल्टेज सेम थी आमे ठीक I2 R2 से तामे N1 by N2 मल्टीप्लाई कर जाऊँ कौन पाएगा द वोल्टेज ड्रॉप इन प्राइमरी साइड ओके द वोल्टेज ड्रॉप इन प्राइमरी साइड पाएगा ओके अच्छा ये भी देखो आमर I2 मुँह लिखी भी इन टर्म्स ऑफ I1 कौन लिखी भी I2 लिखी भी इन टर्म्स ऑफ I1 कौन लिखी भी I1 इनटू ये लिखो चौपर लिखो जी I2 by I1 इज इक्वल टू N1 by N2 ओके तो मुँह कौन कहली मुँह लिखी भी I2 को रिप्लेस कर भी बाय I1 तो कौन लिखी भी I2 इज इक्वल टू N1 by N2 इनटू I1 हाँ क्या मुँह I2 को लिखी ली इन टर्म्स ऑफ I1 तो मन I1 माने भी I2 घटे दे भी तो I2 जब कौन लिखी भी I1 इनटू N1 by N2 आमर ऑलरेडी अच्छी N1 by N2 अच्छी N1 by N2 इनटू R2 ओके हेलो तुम कॉल करके देखो ये लिखी भी I1 इनटू N1 by N2 स्क्वायर इनटू R2 इज इक्वल टू कौन लिखी भी I1 इनटू R1 डैश N1 by N2 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 हेलो हाँ गे मन पकाओ हमर N1 by N2 और स्क्वायर इज इक्वल टू कौन हमारा R2 तो क्या मिलता लिखा हम ऐडा हम लोग अगर कोई चीज कोई नहीं मानो पढ़ने की तो आज तो कोई तो सुना है इडी कहीं तो जाओ तेरे रखें मिसाल देखा V1 by I1 ओके V1 में आई वन कॉल करीबा आर वन करीबा आर वन लिख करीबा ओके मरो लिखूं तो जानो V1 में आई वन कॉल है आर वन अच्छा तो मु V1 लिखी भी इन टर्म्स ऑफ V2 तो कौन लिखी भी V1 लिखने का होगा V1 by V2 इज इक्वल टू N1 by N2 है ना ताहले V1 को रिप्लेस करें V2 से V2 द्वारा कौन करेगी N1 by N2 इनटू V2 ओके तापर डिवाइड बाय I1 को लिखेगी इन टर्म्स ऑफ I2 तो कौन लिखेगी इज इक्वल कौन लिखा होगा I2 by I1 तो I1 कौन लिखेगी I1 होगा कौन होगा कौन होगा I1 होगा I1 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा N2 by N1 इनटू I2 हाँ नहीं I1 हवा N2 by N1 इनटू I2 हम लिखो ची I2 मोटे दिले कौन लिखी भी N2 by N1 इनटू I2 तुम कौन का आपको वोल्टेज लिखी दो ची N2 by N1 अच्छी ना वोल्टेज कौन हवा हमारा वोल्टेज कौन हवा N1 by N2 I2 है ला मुझे लगा कली हमारे पास डिफरेंट अच्छी
ডিভাইডার কোন আছে n টু n মানে আছে উপরে কোন হবে আমার ডিভাইডার ছিল উপরে গলে উল্টি গলি মানে কি হবে হবে n মানে কোন হলা আমি লিখে দিছি দরকার নাই তো এবারে লিখুছি সাজেকি টিকে n1 বাই n2 র স্কয়ার মানে n মানে টু স্কয়ার n মানে টু ইনটু n মানে টু স্কয়ার ইনটু v2 বাই i2 এটা আমরা কোন এটা আমরা কোন r2 তাহলে লিখে পেলিবা n1 বাই n2 র স্কয়ার ইনটু r2 ইজ ইকুয়াল টু কত আমরা এটা আমরা কোন r1 आर में कौन आर में होची ट्रांसफर्स रेशियो स्क्वायर इनटू आर टू है ना तो सेंड आवे सेंड फाइंड करते हैं बाप आर टू इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन का स्क्वायर इनटू आर वन तब हम एमी लिख पे जो कौन लिख पे बाप आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू एन वन बाई एन टू का स्क्वायर तो हम लिख लेगा है ना तो हम ए प्रश्न हम ये फाइंड कर थी ले हम और कौन थ्री प्रश्न ए लिख दबा ले हम ऑलरेडी फाइंड कर दे ली है ना तो हमर स्क्वायर हो ओके हमर रेजिस्टेंस इंपीडेंस की हमर इंडक्टेंस रिफर करबा हमर स्क्वायर हे जबो हैला वोल्टेज और करंट कले नॉर्मल तो हमर कोन हला हमर कोन लिखली n1 n2 स्क्वायर हमर कोन हला हमर लिखली r1 डैश तो एटा हमर कोन हला रिफर टू द प्राइमरी साइड अबे एबे हम कोन करबे हमें r1 को रिप्लेस कर परबा बाय r1 डैश ओके हमें जानिते हमें जानि जा r2 वैल्यू जानितिबा तो r2 वैल्यू सहित हमें कोन करबा n1 n2 रो स्क्वायरिंग कर दबा जति खेला हम से कोन करबा r1 डैश लिखि एपर हमें लिखि दबा कि असुविधा नै हैला तो सेम टाइम कोन करबा सेम थी हम फाइंड कर परबा i1 into हम से हम कोन 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 फाइंड कर परबा i2 into j x2 एटा आ पाई मु कोन लिख करबी मु जेम फाइंड करला पाई हम से सही प्रोसेस जीवा हम कोन लिख करबी i2 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 पाई मुझे लिखी प्राइमेट सैड तो कौन लिखी इंटू आर मल्टीप्लाए करी एन वन बै एन टू मल्टीप्लाए कली ओके फर प्राइमेट सैड इज इक्वल टू आई टू लिखी इन टर्म्स ऑफ आई वन तो कौन हम मोर एन वन बै एन टू स्क्वायर डायरेक्ट लिखुची इंटु आई वन इंटू कौन आर सरी जे एक्स टू तो कौन लिख पार आई वन इंटू जे एक्स वन बार ओके सेम जिनस मुझली जे एक्स टू पाई जे एक्स टू सहित मुझे मल्टीप्लाए कली एन वाइन टू स्क्वायर मल्टीप्लाए कली जी भैल्यू आसा मुझे लिखिली एक्स वन बार ओके सेम जिन एवं भि टू रहा भि टू हम कौन हम भि टू हम सेम जिन भि टू हम कौन हम एपुर रिप्लेस कौन हम भि वन स्टार जो अलरेडी आम लिखीचे कि असुविधा ना ओके यहाँ गला तो ट्रांसफर आम ट्रांसफर कले सेकेंड सैड टू प्राइमरी सैड तो यही हिसाब से मुझे करी ड्र कर सर्किट ड्र करी है तो सर्किट में ड्र कर देख एटा देन दिस इज आर वन देन दिस वन जे एक्स वन ओके जे एक्स वन है देख एटी मुझ लिखिली मुझे लिखिली आई वन आर वन डैश लिखिली हाँ कि नहीं लिखिली कौन आई वन आर वन डैश लिखिली तो मुझे आई टू को रिफर करी टू सेकेंड सैड तो कौन लिखी आई टू को मुझे रिफर करी टू सेकेंड सैड कौन लिखी आई वन बार लिखी तामने लिखे डायरेक्ट लिख करी आई वन बार आर वन लिखे असुविधा ना है तो ये मुटा है आई दिस वन आई वन डैश एंड दिस इज आर वन डैश ओके एंड दिस वन जे एक्स वन डैश एंड दिस वन आई सी आर सी आई एम जे एक्स एम जे एक्स एम ओके देन दिस वन आई वन एंड हियर नथिंग है आम को सब सेकेंड सेकंड एपुर रिफर कर दीचे तो ये हमारे हूँ आई भि वन बार ओके एंड हियर हियर देख आम आई टू जो फ्लो था कौन आई टू कौन हम आई टू इज इक्वल टू कौन लिखपर आई टू इज इक्वल कौन लिखपर आम आई टू इज्कल लिखपर एन टू बै एन वन इंटु आई वन स्टार लिखपर आई वन स्टार हाँ जान आई आई वन स्टार होक्वाल टू आई टू मन पाक फिजर को
आई ओन स्टार रोचे आई ओन बार हूँ आई टू रई टू सहित सामान हाँ कि नहीं तो आम ये लिखिपर आई एक अलरेडी आई ओन स्टार फुल आई ओन बार फ्लो होना तो लिखा आवश्यक ना ओके तो ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट द सेकंड साइड रिफर टू द प्राइमरी साइड है आम जो प्राइमरी को रिफर करेंगे सेकंड साइड को आम कौन हम सब जिस सब जिन कौन करमर जी अच्छी रेजिस्टेंस अच्छी आने इंडक्टेंस अच्छी आम सब थे मल्टीप्लाई करवा कौन मल्टीप्लाई करवा आमर एन वन बै एन टू बै एन वन स्क्वायर ओके आम प्राइमरी सेकेंड रिफर करवा आम सब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस आम मल्टीप्लाई करवा एन वन बै एन टू बै एन वन स्क्वायर आ वोल्टेज तो आम मल्टीप्लाई करवा एन टू बै एन वन करंट तो मल्टीप्लाई करवा एन वन बै एन टू ओके आम रिफर कर प्राइमरी टू सेकेंडरी ओके तो ये आम देखा पर देखा इंपोर्टेंट ना नॉर्मल आम कौन आम सेकेंडरी प्राइमरी रिफर करवा दिन आम सॉल्व करवा ओके फॉर एनी प्रॉब्लम आम ये सॉल्व करचे तुम लिखिपर कौन देख लिखिपर आर इक्विवेलेंट फ्रॉम प्राइमरी साइड कौन लिखिपर आर वन प्लस आर वन डैश ओके सेम लिखिपर देखा दे देखा ओके तो सेम लिखिपर एक्स जे एक्स इक्विवेलेंट कौन लिखिपर जे काट दियो एक्स इक्विवेलेंट कौन लिखिपर एक्स वन प्लस एक्स वन बार ओके तो अब लिखिपर आम आपको लिखिपर कौन लिखिपर जेड जेड इक्विवेलेंट कौन लिखिपर आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट सेटा कौन प्राइमरी साइड दिस वन प्राइमरी साइड इक्वल प्राइमरी साइड ओके तो यहाँ प्राइमरी साइड प्लस प्राइमरी साइड सेमती आम सेकेंड साइड रहा निजे ट्राए करवाई सब जी प्राइमरी साइड कंप्लेंट अच्छे ये सर्किट सब जगह तुम रिफर कर टू द सेकेंडरी साइड किसी असुविधा ना आरसी सहित तुम देखो आम यहाँ हूँ रेजिस्टेंस यहाँ हूँ इंडक्टेंस तो आ सहित आम कौन हम ट्रांसफॉर्मेशन स्क्वायर मल्टीप्लाई हम देन आर वन जे एक्स वन सहित मल्टीप्लाई हम एगेन द स्क्वायर देन आम कौन आउट रहा आई वन सहित मल्टीप्लाई हम ओनली द ट्रांसफॉर्म रेशियो एंड वी वन सहित सेम वी वन डैश सेम देन आई वन डैश अच्छी अवश्य असुविधा क्या आम आई को अलरेडी फ्लो हो लिंक ना कि आई एगेन आम कौन हम आई रई सहित मल्टीप्लाई कर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो द रिस्पेक्टिव ओके ओके देन आई एन एंड आई सी सेम करंट वोल्टेज पे मल्टीप्लाई करा द ट्रांसफॉर्म रेशियो आमर रेजिस्टेंस आउ इंडक्टेंस पे मल्टीप्लाई करा द ट्रांसफॉर्म रेशियो द स्क्वायर ओके तमरे इटा होची द सेकंड साइड रिफर टू द प्राइमरी साइड ता तुम निजे ट्राई करो प्राइमरी साइड रिफर टू द सेकंड साइड नाम परे करबा ओके थैंक यू तापर आम किसी प्रोब्लेम करबा ट्रांसफॉर्म उपरे सर प्रोब्लेम बुझिबो त पढ़ी के आसो त प्रोब्लेम करियो ओके थैंक यू।